मैनिपुलेशन हो रहा है, आपके पास कोई जानकारी है जहां पर आपको लगता हो कि हाँ मैनिपुलेट हो रहा है राहुल जी? अचानक जो तेजी है ये सर, ये किसी को समझ में नहीं आ रही है। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी है, स्टॉकिस खरीद रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, उस वजह से तेजी आ रही है। दोनों एनालिस्ट तो बैठे हैं सर, जस्टिफाई है रेट, इनसे पूछिए थोड़ा। हाँ बताइए बीरेन जी, पूछ रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रही है तेजी इनको ग्वार की। मुझे भी समझ नहीं आ रही है, तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको तो समझ में आ रही होगी लेकिन आप बता नहीं रहे बीरेन जी। नहीं ऐसा नहीं है, बट जो रफ्तार है इसकी, वो रफ्तार देखते हुए शायद अगला करेक्शन भी इतना शार्प हो सकता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, 8,000 से 13,000 और फिर वापस हमने 8,500 देखा था। अनुज जी बताइए, आपको समझ में आ रहा है? देखिए देखिए, जब चीज स्टॉक मार्केट में, एक चीज है कमोडिटी मार्केट में, अगर किसी चीज का फंडामेंटल समझना है तो उसका टेक्निकल चार्ट देख लेना चाहिए। उस टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो उसमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल उतने क्लियर नहीं होते जितना मार्केट में आपको प्राइस क्लियर कर देता है। तो अगर आप ग्वार का टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि जो ट्रेंड है वो यहाँ से रिकवर होगा। तो वो रिकवरी अगर अगर आप टेक्निकल चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, कोई अगर कोई ट्रेडर टेक्निकल चार्ट को देख रहा है तो वो उसके सामने फंडामेंटल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, फिर वो टेक्निकल चार्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहे फंडामेंटल तो बेटर है कि टेक्निकल चार्ट देखें, आपको प्राइस सब कुछ दिखा देगा कि क्या होने वाला है प्राइस। वाला बताइए, आप बताइए। जी सर, अभी क्या होने वाला है, आपका चार्ट क्या कहता है? देखिए टेक्निकल चार्ट्स, देखिए हम अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो कंटिन्यूअसली पहले 5,400 का एक पड़ाव था जिसने ब्रेक किया था, जो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हाई भी था। उसके बाद से आप देखेंगे तो 5,800 का एक लेवल था, वो ब्रेक किया। अब जो हमें लग रहा है टेक्निकल चार्ट में, एक बार लग रहा है कि 6,400 6,500 के स्तर को ये छू सकता है ऊपर में, तो वहां तक एक बार लग रहा है कि ग्वार सीड 6,500 के लेवल को टच कर सकता है और ग्वारकम करीबन 13,300 13,500 के लेवल को छू सकता है। तो ये लेवल्स हैं जो अभी लेटेस्ट लगते हैं कि मार्केट में आ सकते हैं।